इतनी आसानी से किसी को भी अपने जज्बात के साथ खेलने मत दो। सर व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो मिसेस सब वफा जी जो है। क्या वफा जी, तेरी जबान पे उसका नाम भी कैसे आया? सुना है कि काला टीका दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखता है। और फिर मीसम, अभी तो मैंने तुम्हारी बेशुमार दौलत और सच्ची मोहब्बत के शहर में डूब के खुद की किस्मत पे रश करना है, इसलिए वफा आज से तुम्हारा ये काला टीका लगाना बहुत जरूरी हो गया, ताकि तुम्हारी और मीसम की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। फिर से आ गई आप, क्या है वफा? वो मैं क्या, जाए यहाँ से। बेटे मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं और क्या सुनाना चाहती हैं आप? अच्छे से जानती हूँ मैं आप क्या कहेंगी। कहेंगी शादी कर लो और इस घर से रुखसत हो जाओ फरहाद के साथ। लेकिन आप भी मेरी एक बात गौर से सुन लें, इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना, बच्चों बात करने के काबिल नहीं, क्यों बात करती हैं आप इनसे? क्या, और तुम तो बहुत काबिल हो, बल्कि मिस परफेक्ट हो इस घर की। अरे असल फसाद की जड़ तो ये है जो आग लगा के पूरे घर में धुआं होने के लिए छोड़ देती है। अप्पा से कह के ना सबसे पहले मैं तुम्हारी शादी कराती हूँ। प्लीज मैं मत बोलना, अब हमारे दो बड़े बात कर रहे हैं, समझी? हाँ कहें, मुकम्मल करें अपनी बात। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आपकी बात में कितना दम है जो मुझ पर असर कर जाएगा। देखो बेटे, परवरदिगार ने औरत के लिए चंद रिश्ते बहुत मुकद्दस बनाए, माँ बाप, भाई बहन, शौहर, औलाद, इनसे ज्यादा मुखलिस रिश्ते और कोई नहीं हो सकते। तुम क्यों अपनी बेजा ख्वाहिशों और हसरतों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो वफा? हो क्या यार, फिर से रोना शुरू? एक तो ये आपके ड्रामे, कभी कभी मुझे लगता है कि पानी खत्म हो जाएगा समंदर में, लेकिन आपके आंसू खत्म नहीं होंगे। बचो, शट अप, मत बोलो, बीच में मैं बात कर रही हूं। देखो वफा, मेरी एक बात याद रखना बेटे, तुम जिस दुनिया में दिल लगा रही हो ना, वो दुनिया टाट में लगे पेवंत को कभी कबूल नहीं करती। और ये बात आज नहीं तो कल तुम्हें समझ आ जाएगी बेटे। आपकी एक बात तो मुझे समझ आ चुकी है, क्या आप चाहती हैं इस घर से एक फर्द कम हो जाए। मैं बताती हूँ आप क्या करें, आप मेरी तलाक कराएं और इसकी शादी कराएं, अपनी इज्जत बचा लीजिए कैसे। मेरी इज्जत तुम्हारे कदमों में रखती हूँ, मेरी इज्जत की लाज रख लो। एक माँ की अमानतदार बन जाओ बेटे, मैं तुमसे कोई गिला नहीं करूंगी, खुदा का वास्ता। क्या कर रही अम्मी आप, किस पत्थर के सामने हाथ जोड़ रही हैं? क्यों भीख मांग रही अपनी ममता की? जोड़ने दो मुझे हाथ। वफा, तुम्हें मेरी ममता का वास्ता है बेटे, मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा लो। वफा मेरे हाथ देखो। मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने वाली, उठाएंगे दुपट्टा। यार अम्मी आप क्यों नहीं समझती, मैं नहीं चाहती लोग आप पे तरस खाएं। बेटे वफा, मैं ही चले जाती हूं। एक माँ को तड़पा के खुश नहीं रहेगी बच्चों आप। ये एक माँ ही की नहीं, बहन की भी बद्दुआ है। असद भाई, क्या हुआ मिसम, सब खैरियत तो है? आपने गाड़ी की चाबी लेकर जिन लड़कों को घर पे भेजा था वो कौन थे? एक खुर्रम है जो कि यहाँ शोरूम का मैनेजर है, और उसके साथ फरहाद,
और ये फरहान जो है ये आपके कंपनी में कब से काम कर रहा है? आई थिंक 5 या 6 साल। क्यों? देखिए आप मुझसे कोई सवाल मत पूछेगा, बस मुझे बताएं कि आप उस लड़के के बारे में और क्या कुछ जानते हैं। प्लीज असद भाई, यू हैव टू टेल मी, किसी वजह से मैं पूछ रहा हूं। फरहाद अच्छा लड़का है, सीधा साधा सा है, अपनी माँ का फर्मा बरदार है। उस बेचारे की माँ पैरालाइज है, तकरीबन 6 महीने से फालिज का मर्ज है उन्हें। क्यों? और बस ये कि वो रोज अपनी वालदों को फिजियोथेरेपी के लिए लेकर जाता है यहाँ शोरूम की गाड़ी में। यानी जिन गाड़ियों में ये घूमता रहता है वो हमारे शोरूम की गाड़ी है? मिसम तुम तो जानते हो यार, ये माँ वाला एलिमेंट मेरे लिए कितना टची है, इसलिए उसको गाड़ी लेके जाने देता हूँ। ओह माय गॉड, हुआ क्या है बताओ कि सही था? और क्या जानते हैं उसके बारे में? मतलब शादी वादी, इसकी शादी हो गई है? शादी नहीं, वो बता रहा था कि उसका निकाह हुआ है, लेकिन रुख्सत ये भी बाकी है। क्या सस्पेंस है, प्लीज खुल के बताओ मुझे उसके। एक नंबर का धोखेबाज और झूठा इंसान है वो, झूठी कहानियां सुनाकर फंसाकर बेवकूफ बना रहा आपको। आपको अंदाजा भी है कि कंपनी की गाड़ियां इस्तेमाल करके वो गलत काम कर रहे हैं। वो शक्ल से जितना शरीफ दिखता है ना, अंदर से उतना ही बड़ा शैतान है। आप अभी और इसी वक्त उसे फायर करें। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं 100% सच कह रहा हूं, जस्ट फायर हिम, आगे आपकी मर्जी। लेकिन फायर हिम मिसम, मेरी बात, फायर हिम मिसम, लिसन। यार तू इधर रोक, अबे क्या हो गया? अरे यार तू रोक तो सही यार, कहाँ जा रहा है? अबे तू किसको फोन मुसलसल करे जा रहा है? यार मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, क्या क्या बताऊंगा वफा जी को कि उनकी खुशियों को अपने 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 हाथों से दफना कर आ रहा हूँ। अबे शुक्र कर के हम वहां से बच के निकल गए, वरना तो पर्चा कटना था और तू सीधा अंदर। तुझे क्या लगता है वो तेरे और वफा के रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा? तूने अपनी नौकरी और इज्जत सब दांव पे लगा दिया है इस बेगैरत मोहब्बत के चक्कर में। तुझे क्या लगता है? मुझे किसी की फिक्र नहीं है। हाँ नहीं है तुझे किसी की फिक्र, नहीं है तुझे किसी की परवाह, तुझे परवाह है तो सिर्फ उस वफा की। तू एक साए का पीछा कर रहा है जो एक शहद की मक्खी की तरह तुझसे चिमट गई है। फिक्र करनी है तो असद साहब की कर, उनके एहसानात की कर, कैसे चुकाएगा उनके एहसानात? और वो मेसब वो चुप बैठेगा, पूछेगा नहीं अपने भाई से, क्या बताएगा उन्हें कि अपनी मोहब्बत में तो इतना खुदगर्ज हो गया था कि झूठ बोलने के लिए अपनी माँ का सहारा लिया। मुझे आज जिंदगी में पहली बार अफसोस हो रहा है फरहाद कि तू ही क्यों मेरा दोस्त बना। तुझ जैसे नादान दोस्त से दोस्ती करने से बेहतर था मैं किसी दुश्मन से दुश्मनी कर लेता। फंस चुका है तू, अब वफा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और जो कुछ बचा है उसे समेट ले। अबे असद साहब की कॉल आ गई है। अबे सोच क्या रहा है, ऑफिस चल और अपनी नौकरी बचा। जी असद साहब, जी जी बस आ रहे सर, जी जी आते हैं। चल 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 चल। सुने ना, सुने ना बेटा। जी मम्मी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है? नहीं नहीं मम्मी सब ठीक है। आप कब आई शमीम खाला के घर से? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। कब है उनकी बेटी की शादी? वो लोग तो अगले महीने की 15 तारीख के लिए मशवरा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा मैं ज़रा असद से जाके बात कर लूँ फिर बताती हूँ। अब माशाल्लाह हमारे घर में भी तो शादी का समा होगा। और मैं, हाँ ख्याल आया, वफा की क्या खैर खबरें हैं, तुम्हारे लाडले मीसम ने कुछ बताया? क्या बात है सुनैना, तुमसे पूछ रही हूँ बेटा। मम्मी मैंने पूछा नहीं अभी तक। झूठ तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। तुम जानती हो ना मैं सिर्फ चेहरे ही नहीं दिल भी पढ़ लेती हूँ। जरूर तुम्हें कोई बात सता रही है,
बताओ सुनैना। नहीं नहीं मम्मी, बस मैं बहुत थक गई हूं। अच्छा अच्छा, वैसे बेटा जवान मौत है, सदमा तो हो गई, लेकिन वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? हम तो ताजियत भी करने नहीं गए। बेटा तुम बड़ी बहू हो इस घर की, और घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी उनके दुख में बराबर का शरीक रहना चाहिए। तुम तो जानती ही हो वफा कितनी हसास है, छोटी छोटी सी बातों को दिल से लगा लेती है। बेटा आइंदा इन सब बातों का ख्याल रखना, ठीक है सुनैना? जी जी। आपको बस एक ही दुआ है, अल्लाह जल्द अज जल्द वफा को इस घर की दुल्हन बना के इस घर की रौनक बढ़ा दे, असद की तरह मेरे मीसम की जिंदगी में भी बहार आ जाए। आमीन आमीन। मम्मी तमाम। सर जी, ऐसा साहब, आपने मुझे बुलाया है? तुम अच्छी तरह जानते हो फरहाद कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। देखो फरहाद, मैं बात की गहराई तक नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि छह महीने से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बोलो, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? असद साहब मेरी बात। हाँ या ना? जी असद साहब, मैंने झूठ बोला था। ये क्या किया तुमने फरहाद, क्या किया तुमने? तुमने मेरा सारा भरम तोड़ दिया, तुमने मुझे मेरी नजरों में शर्मिंदा कर दिया है। जी साहब, लेकिन मेरी एक बात। नो फरहाद, नो नो। तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो, यही तुम्हारी खुशनसीबी है, वरना मैं तुम्हारा वो असर करता कि तुम्हारी नस्लें याद रखती। अभी के अभी जाओ अकाउंट्स और जाके अपना हिसाब क्लियर करो। यू आर फायर, लीव, गेट आउट। असद साहब, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मोहब्बत की खातिर किया है, और जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां दुनिया वालों से झूठ तो बोला जा सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को टूटा हुआ नहीं देखा जा सकता। थैंक यू। मीसम, गाड़ी आहिस्ता करो। मीसम जस्ट स्टॉप द कार। मीसम तुम्हें बाबा की कसम, मैंने स्टॉप द कार मैन। क्यों उसने मुझे धोखा दिया शिजा? मेरे साथ क्यों किया उसने ऐसे? काम डाउन मीसम, जस्ट काम डाउन। क्या काम डाउन? शिजा मेरी हालत देखो, मतलब मजाक बना के रख दिया उसने मुझे, तो जीने के इस काबिल ही नहीं रहा। मत इतनी सस्ती थी मेरी मोहब्बत। इतना खुदगर्ज होने की जरूरत नहीं है मीसम,
इसमें सिर्फ तुम्हारा रिश्ता नहीं लेकिन बाकी लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई थी। जस्ट फॉर वन सेकेंड, ठीक है, तुम खुद को मेरी जगह में रख के सोचो, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता तो तुम क्या करती? मैं समझ लेती कि मैंने एक लड़की से नहीं धोखे से मोहब्बत की, अपनी गलती को एक्सेप्ट करती और तस्लीम कर लेती कि मेरी वजह से लोगों का दिल दुख रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना तुम लड़कियों का, कि चीख कर दो आंसू बहाकर सामने वाले को खामोश कर देती हो। तो क्या करूं बताओ मीसम, क्या करूं? प्यार से तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, सच तुम जानना नहीं चाहते हो। मीसम, जिस आग में तुम जल रहे हो ना, मैं चाहती तो ये आग तुम्हारे दिल में पहले ही लगा देती, लेकिन मैंने लिहाज किया तुम्हारी दोस्ती का, अपनी मोहब्बत का, तुम्हारी खुशियों का, क्योंकि मैं तुम्हें टूटकर बिखर के देखना नहीं चाहती थी। क्या मतलब है तुम वफा के बारे में? पहले मैं वफा के बारे में जानती। क्या जानती हो तुम? करने क्या जानती हो तुम वफा के बारे में? शिजा, तुम नहीं सुन पाओगे। You have to tell me, please. सच सुनना चाहती हूँ। तो सच ये है कि जिस वफा से तुम मोहब्बत करते हो वो फ्रॉड है, वो एक धोखा है। शादी शुदा है और जुआरी की बेटी, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो जिस गुर्बत के ढेर में रहती है ना, मैं उस गुर्बत के ढेर को अपनी आंखों से देख कर आई, क्योंकि मेरे लिए सच को जानना बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि मैं तुम्हें खाई में गिरने से बचा सकूं, क्योंकि एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त को गड्ढे में गिरने नहीं देता जब तक कि वो ना चाहे। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती नीसम। वो 6 लाख की चैरिटी का चेक जो उसने अपने बुआ के बेटे के नाम करवाया था, तुम्हें पता है वो कौन था? कौन थे? उसकी बुआ का बेटा नहीं था, वो उसका अपना सगा भाई था, जो ब्रेन ट्यूमर की आखिरी स्टेज पर था। सोचो, जो लड़की अपने बाप और भाई के रिश्ते से शर्माती हो, वो तुम्हारे रिश्ते पर फखर करेगी? That's what you think? No way. मीसम, मीसम, क्या हुआ है? सच सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हें सच सुनना पड़ेगा मीसम, क्योंकि जिस मोहब्बत से तुम फखर करते हो ना, तुम्हें उसमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। And I know कि तुम शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि अब भी तुम्हारे लिए वफा सब कुछ है। वो कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मोहब्बत में डूबे हो, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। गॉड सेक्स बस कर दो, चुप हो जाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम वफा की कसम में गाड़ी नहीं रोकते। या खुदा का, तुम डिसाइड कर लो कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो। प्लीज खुदा का वास्ता है, बस कर दो, जस्ट स्टॉप इट, बहुत बहुत हो गया यार। मैं भी तो यही कह रही हूँ मीसम, बस कर दो, बहुत हो गया। उससे इतनी मोहब्बत ना करो कि बुरे अंजाम पे अपने आप को पहचानने से इनकार कर दो। क्या हो गया फरहाद, क्यों मुंह लटकाए खड़े हो, बता भी दो क्या बात है? फाफा जी, मीसम है ना। क्या हुआ मीसम को? फाफा जी, वो मैं क्या हुआ है मीसम को? मीसम को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या क्या पता चल गया? वही है कि वो आप वो क्या क्या पता चल गया? किसने बताया? कैसे पता चला? मुझे क्या पता कि किसने बताया? मैंने तो चील की तरह दबोच रखा था मीसम को। शिजा अकेले इतनी आसानी से कैसे मीसम को मेरे चंगुल से निकाल सकती है? नहीं, मुझे मीसम को कॉल करनी चाहिए।
अगर आज तुमने फैसला नहीं किया तो सारी जिंदगी इसी आग में जलते रहे। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? चलो मेरे साथ। कहाँ? सच के पास, उसका आमने सामने होना बहुत जरूरी है। Let's go. Trust me. यार शिज़ा तुम ये मुझे कहाँ पर लेकर आ गई हो यार, कब से पूछ रहा हूँ तुमसे। रिलैक्स, ये तुम्हारी मंजिल, यहाँ रहती है तुम्हारी वफा। अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, उसका सामना करो और आज उसकी ये खुशफहमी दूर कर दो। क्या हो गया तुम्हें? ये सब करना इतना आसान नहीं है। हाँ, जो उसने किया वो सहना आसान है। आज उसके चैप्टर को क्लोज कर दो, मत बनाओ उसे अपनी जिंदगी का तोक। मेरी जिंदगी का तोक तो वो बन चुकी है, लेकिन अब वफा का मीसम से जान छुड़ाना आसान नहीं। बात होगी, आमना सामना भी होगा, लेकिन जगह वो मैं डिसाइड करूं। अरीबा, अरीबा, वफा, अरे क्या जुनैद के साथ तुम लोग भी मर गए हो? देखो तो सही। देखो, ये देखो, जिंदा लाश बैठी हुई है मेरे सामने। देखो क्या लाया हूं, चिकन टिक्का, मटन का सालन, रबड़ी। आज की दावत मेरी तरफ से, मालदार हो गया तेरा बाप, मालदार। अब्बा, पर ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? बैंक लूट के आया हूँ, बैंक। मेरे बेटे की बीमा पॉलिसी के पैसे आए होंगे ना? उसी की मौत का जश्न मनाएंगे अब हम। हेलो हेलो, हो गई मनुजियत शुरू है? और कुछ नहीं आता। अरे वो खाली तेरा नहीं, मेरा भी बेटा था। अगर वो जाते जाते अपने बाप को थोड़ा सा सुख दे गया है तो तुम लोगों के सीनों पे सांप क्यों लौट रहे हैं? ये खाना खाने से बेहतर हम जहर खाके मर जाएं। अगर तुम दोनों का कोई अच्छा इरादा हो ना तो मुझे पहले बता देना, तुम दोनों की भी बीमा पॉलिसी करवा दूंगा मैं। फिर तो मेरी सारी जिंदगी बड़ी अयाशी में गुजरेगी। अयाशी? सारे नाशुक्रे मेरे घर में इकट्ठे हो गए हैं। अरे खड़े खड़े भूख लगे देख रही है, शाबू उठा खड़ा होगा मेरे लिए। एक किचन में जाके आंसू बहा ले, बहा ले।
अरे तुम लोगों से तो अच्छी मेरी वफा है जिस पे शराफत को नाज है। वफा, ओ वफा, आजा बेटा आजा खाना खा ले मुफ्ते का। ये लो शक्ल देखो इनकी। उठाओ मीसम। वफा, ओ वफा, अरे मेरी लाडली कब से तुझे आवाजें दे रहा हूं, बाहर क्यों नहीं आती? इस फटीचर घर में मेरे कमरे के अलावा कोई और ऐसी जगह है जो मेरे बैठने के लायक हो? क्या होगा मेरी बिटिया, क्या मसला हो गया? तुम्हें जिस तरह बताने से मसला हल हो जाए। ऐसा कौन सा मसला हो गया? कहाँ है वो तेरा करोड़पति मीसम? किधर मर गया वो किंग? वो पैसों का लारा देके 9-2-11 तो नहीं हो गया? एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर मैं सातवें आसमान से गिरा ना तो तुझे दफना के फर्श पे आऊंगा बेटा। तो भी मेरी कब्र खोदना शुरू कर दे अब्बा, मीसम को मेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। चल गया तो इधर क्या कर रही है? अपना बुढ़िया बिजनेस बात तो सुनो, क्या हो गया? अपनी मोहब्बत से इनकार नहीं किया उसने, और अगर उसने इनकार किया तो भी क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस के पैसे तो है ना हमारे पास, पूरे 55,65,626 रुपए, जिसके हिसाब से मेरे बनते हैं 27,82,013 रुपए। तो मुझे मेरा हिस्सा दे देना, अपना अपने पास रखना, तुम भी खुश मैं भी खुश। पागल हो गया तू? मेरे करोड़ रुपए का कर मुझसे 55,65,000 रुपए का हिसाब मांगेगी तू? तुझे तो मैं 26 रुपए भी नहीं दूंगा जी। तू मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अब्बा, अगर मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश की ना या वादा खिलाती की तो कसम खाती हूँ मैंने भी पुलिस स्टेशन का रास्ता देखा है। जब भी दादी अपने ब्रो को, अगर ये मुर्गो मेरे हाथ से निकला ना तो मेरा मीटर चार हो जाएगा और मैं तेरी बत्ती गल कर दूंगा। बढ़िया ही मुझसे 27,82,013 रुपए का हिसाब मांगने वाली। क्या बात है, 3 दिन से फोन कर रही थी आपको, आपने फोन नहीं उठाया, कोई बात हुई है क्या? मेरे जुनेद के इंतकाल को भी इतना अरसा हो गया, आप उसके बाद आए नहीं, क्या हुआ है? कुछ तो बोले। सुनिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा नफीसा, बताओ मुझे क्या होगा? मेरे बेटे को खुशियां मिल जाएंगी, इस घर की रौनकें वापस आ जाएंगी, वफा फरहाद की रुखसती हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा नफीसा, कुछ नहीं। खुल के कहिए क्या कहना। देखो नफीसा, तुम्हारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया है, तुम्हें तो सबर आ ही गया होगा, लेकिन मैं कैसे सबर करूं? मेरा बेटा तो जिंदा है, अपने घर में एक चलती फिरती लाश को कैसे देखूं मैं? तेरी किसी बात का जवाब नहीं देता, खोया खोया रहता है, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। देखो नफीसा, मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने बेटे का दुख मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मुझे वफा की रुखसती दे दो।
सुनैना जी, कल मैं सिकंदर से मिला था, उसने मुझे बताया कि तुम और मीसम मिसेस सिकंदर के घर पे गए थे। ये बात तुम्हें मुझे खुद बतानी चाहिए थी। यूं लग रहा था जैसे इत्तफाकिया तौर पर तुम उनके घर पे गए थे। नहीं नहीं असद, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है सुना ना, प्लीज तुम ही मुझे समझा दो यार। वो मैं आपको क्या समझाऊं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। उफ, तुम लोग। मीसम ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा, आखिर कहां है उस लड़की के घर वाले, कहां है उसके डैड, क्यों नहीं आए हमसे मिलने अभी तक, क्यों गए थे तुम लोग मिसेस सिकंदर के घर पे, प्लीज मुझे बताओ। बताओ सुने ना प्लीज। एक्चुअली असद, हम उस दिन उस लड़की के घर गए थे, लेकिन जब वहां गए तो पता चला उसने मीसम से झूठ बोला था। वो उसका घर नहीं था, इनफैक्ट मिसेस सिकंदर का घर था। एक मिनट, तो मैं घर पहुंच के इस बात का आइडिया हुआ। उठाओ फोन। हेलो मीसम, तुम कहाँ थे, मैं कब से फोन कर रही थी। यही तो हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी रूह में। तुम्हारा ख्याल मुझे कहीं जाने ही नहीं देता वफा। और तो और, तुम्हारी प्यार की गलियां हैं इतनी भूल भुलैया हैं कि बंदा खो ही जाता है। क्या कह रहे हो। सच ही तो कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी कहूँ, कुछ भी सुनूँ, कुछ भी सोचूं, एक ही चेहरा मेरे सामने आता है, वो है तुम्हारे प्यार का, हम दोनों के साथ का। मीसम, लेकिन हमारे साथ से पहले ना ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, सच सच। लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता वफा। Why don't you understand कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे हर हाल में कबूल हो। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे किस शर्त पे कबूल किया था, जब करोड़ों की बात की थी तुमसे, और तुमने मुझे बेअवज मेरी पूरी जिंदगी कबूल किया। यू रिमेम्बर। हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है, याद है। तुम्हारी हर खूबी खामी, अच्छाई बुराई, हर चीज के साथ मीसम ने तुम्हें कबूल किया। यू नो, दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारे बारे में कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मीसम सिर्फ तुम्हारा है, और तुम जैसी भी हो सिर्फ मेरी हो। सच कह रहे हो। तुम्हारी कसम। हमारी मोहब्बत का आगाज इस दुनिया ने देखा था, और हमारी मोहब्बत का अंजाम भी ये दुनिया ही देखेगी, और गवाही भी यही दुनिया देगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, इतना चाहते हो। बहुत। अगर मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को लफ्जों में बयान कर सकता ना, तो मैं ऑलरेडी कर देता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन पूरी दुनिया के सामने दिला सकूं। खैर, तुम कल यूनिवर्सिटी आओगी। मीसम, कल तो मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है। निकलना तो पड़ेगा। अपनी मोहब्बत तक पहुंचने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा वफा। सिर्फ एक दफा आ जाओ। देखो, मैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे डैड को, सबको मना लूंगा।
ट्रस्ट मी, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक मैं तुमसे कोर्ट मैरिज भी कर सकता हूँ वफा, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ ही नहीं झूठ के साथ ही कबूल किया है, इसलिए प्लीज किसी भी तरह पहुंच जाओ कल यूनिवर्सिटी, बस मैं एक दफा तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ तुमसे। आ जाऊंगी, आ जाऊंगी मैं, आई बी देयर। थैंक यू सो मच नीसम। कुछ भूल रहे हो तुम? जानता हूं, आई लव यू टू। ओके, कल मिलते हैं। हाँ, बाय। कल तुम्हारी जिंदगी का और हमारी मोहब्बत का मैं सबसे यादगार दिन मनाऊंगा वफा।